नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज बात कर लेते हैं हम अगली होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस की। ग्रेफाइटिस के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनको आप स्वयं के डॉक्टर बन के स्वयं का इलाज कर सकें, इस तरीके से मैं कुछ चुनिंदा लक्षण बता रहा हूँ जिनसे आप इन लक्षणों पर यानी कि किस किस लक्षण पे ग्रेफाइटिस अच्छा प्रभाव दिखाती है। यदि ये आपके या आपके पड़ोस में किसी भी व्यक्ति के ये समस्याएं आपको नज़र आती हैं तो ये मेडिसिन यानी कि ग्रेफाइटिस मेडिसिन देने से उस परेशानी में राहत मिलेगी। तो जहाँ सबसे ज़्यादा ये यूज होने वाली जो मेडिसिन है ग्रेफाइटिस, वो होती है मेंसेस, हमेशा डिले होती है, कब्जी बनी रहती है महिलाओं को या माता बहनों को, मेंसेस हमेशा लेट आएगी और कब्जी बनी रहेगी, कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। स्वभाव बहुत सॉफ्ट होता है, हसमुख स्वभाव की होती है, मीठा खाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, सांवला रंग होता है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती, थोड़े हाइट में कम रहती है। इस तरीके के पेशेंट यदि है तो उसको ग्रेफाइटिस मेडिसिन देने से उसकी कब्ज और मेंसेस जो आगे चला जाता था, डिले हो जाता था, उसको प्रॉपर टाइम पे लाने के लिए, पेट को सही साफ करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन ग्रेफाइटिस होती है। दोस्तों अगली मेडिसिन, अगला सिम्टम्स जो इस मेडिसिन का है वो ये है कि जिनमें मोटापा आने की समस्या होती है यानी कि नई बच्चियां हैं, मोटापा आने लग गया, मोटे जा रहे, वेट गेन कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल के लिए मैं ये बात कहूँगा, ऐसे लोगों को, ऐसी माता बहनों को, ऐसी बिटियाओं को ग्रेफाइटिस 30 यूज़ करनी चाहिए। वो अपना वेट गेन इसी मेडिसिन से लॉस कर सकते हैं जो उनके हो गया था, वजन बढ़ गया था। वजन बढ़ाने के लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं, यदि सांवला रंग है और इस तरीके की समस्याएं हैं तो आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। बाकी अगला जो इसका सिम्टम्स है वो है स्किन डिजीज पे, स्किन डिजीज जैसे निपल्स हैं, ये पोर्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में अपने जैसे वेजाइना के पार्ट्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके को खुजली या क्रैकनेस है, या एनस के चारों तरफ क्रैकनेस है, कब्जी है, दर्द होता है, प्रेस होते जाते हैं तो उस समय वो क्रैक्स आ जाते हैं, उसमें ग्रेफाइटिस मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। यानी कि एक तरीका एक्जिमा, एक्जिमा हो जाता है, एक्जिमा ग्रेफाइटिस का जो एक्जिमा होता है वो चिपचिपा यानी कि शहद की जैसी चिपचिपाहट निकलती है उसमें से, स्कार्स को जब हटाते हैं या फुंसियाँ हो जाती हैं तो उनमें चिपचिपा सा शहद के जैसा लिक्विड निकलता है, उस कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस यूज कीजिए। इसका एक विशेष सिम्टम्स है कि इसकी जो परेशानियां हैं वो ठंडक में बढ़ेंगी, ठंडक में बढ़ेंगी तो ग्रेफाइटिस लीजिए, अदरवाइज और सीजन में इसके एग्रावेशन के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट ना करें। एक दो डोज लेने के बाद में आप वेट कर लीजिए, 30 पोटेंसी आप यूज़ कीजिए ग्रेफाइटिस 30, एक डोज, दो डोज या तीन डोज लेने के बाद आप 4-5 दिन, 7 दिन तक वेट कर सकते हैं, आपको रिजल्ट दिन दिन में आ जाएंगे। यदि ज़रूरत पड़ती है तो आप वापस से इस मेडिसिन को रिपीट कर सकते हैं। तो ये वो सिम्टम्स थे जो मोटापा हटाने के लिए, मेंसेस को प्रॉपर टाइम पे लाने के लिए, कब्जी हटाने के लिए, स्किन डिजीज एक्जिमा हो जाता है उसको सही करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए ये जरूर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।